यहाँ पे पीछे देख सकते हैं क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट हो गई है ऑफलाइन में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। और आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपना कॉलेज, क्योंकि आज मैं कॉलेज जा रही हूँ। मुझे कॉलेज में अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवाना है, और तो और लॉकडाउन में मैंने जितने भी फीस डिपॉजिट करे थे उसके रिसिप्ट नहीं लिया है, तो वो रिसिप्ट वगैरह लेना है, और छोटे छोटे काम है HOD से भी मिलना है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको अपना पूरा कॉलेज विजिट करवाने वाली हूँ। होप सो आप लोगों को भी मेरा कॉलेज पसंद आएगा। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए मैं कॉलेज के लिए निकलते हैं। ओके, ओहो सॉरी, मेरे को जाने से पहले मेरे को कॉलेज बैग तो ले लूँ। तो कॉलेज बैग ले लिया है मैंने, और मेरा बाल ना खराब हो इसकी वजह से मैं कैप लगा लेती हूँ। मैंने कैप लगा लिया है ताकि मेरे बाल खराब ना हो, और मैं लगा लेती हूँ मास्क, जो कि सबसे जरूरी है घर से निकलने। सो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ कॉलेज के लिए, और मैं निकलती हूँ कॉलेज। फाइनली ये देख सकते हैं मैं आ चुकी हूँ कॉलेज में, और लॉकडाउन के बाद ना काफ़ी दिन बाद आई हूँ। लॉकडाउन में आई थी तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं था, बट लॉकडाउन के बाद जब अब आई हूँ तो काफ़ी भीड़ है कॉलेज में। बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, कोई गेम खेल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि अब मुझे भी कंटिन्यू करना चाहिए। काफ़ी दिन बाद आई हूँ, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि काफ़ी दिन बाद आई हूँ। ऐसा लग रहा है कि अरे यार कल ही तो आई थी। तो काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि फिर मुझे रेगुलर करना चाहिए, और शायद मैं रेगुलर करूँ थोड़ा सा ना, टाइम निकाल निकाल के कॉलेज पे आया करूँगी। क्योंकि कॉलेज का बात क्या लग यार, अच्छा लगता है, आप कॉलेज आओ पढ़ाई करो। मैं थोड़ा सा आपको ना कॉलेज का व्यू दिखाती हूँ अभी। तो ये देख सकते हैं कॉलेज का व्यू, काफ़ी सारे स्टूडेंट भी हैं यहाँ पे। पढ़ने आए हो आप लोग? फिर घूमने कैसा लग रहा है घूम के? ठीक है, सच में पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना, अच्छा ठीक है। ब्लॉग बना रहे हो? हाँ, श्यामा लाइफ। श्यामा लाइफ फाइनली काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा अभी कॉलेज का, जैसा कि लॉकडाउन में आए थे, लॉकडाउन के बाद का जो ये वाला जो सीन देखने को मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी सारे स्टूडेंट भी हैं यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट हो गई है ऑफलाइन में। सो हमारा काम है पहला कि हम अपना फीस डिपॉजिट करवा लें, नेक्स्ट हम HOD से मिल लें, तो सारा काम फटाफट करके आते हैं।
अकाउंटेंट में तो आ चुके हैं, उसके बाद फिर छोटी सी ट्रेनिंग है मुझे। सो गाइज, ये हूँ मैं ऑफिस के अंदर, और हमारा जो पीस का काम था वो पहले हो चुका है, तो पीस का काम कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा सेकेंड काम है वो अपना कॉलेज एक्सप्लोर करते हैं। आज मैं अपने कॉलेज का आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग लैब दिखाने वाली हूँ, तो चलते हैं लैब के अंदर। ये था हम लोगों का जियो टेक्निकल लैब, जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखा दिया है, और बाकी अब चलते हैं हम लोग दूसरे लैब में। मैंने फीस तो डिपॉजिट करवा दी, पर रिसिप्ट लेना भूल गई हूँ, तो वो भी मैं बाद में जाकर ले लूँगी अभी। तो ये हमारे कॉलेज के गेट की गार्ड है, जो ये अभी आज हम लोगों को आज मुझे गाइड किए हैं कि कहाँ मुझे ऑफिस, कहाँ मुझे एचओडी से मिलना है, को किस किस जगह पे मुझे कहाँ कहाँ काम है, वो सारा इन्होंने किया। क्या नाम है आपका? सरजीत नाम। सरजीत, कब से हैं आप यहाँ कॉलेज में? मुझे 9 महीने हो गए। 9 महीने हो गए ना, पिछली बार भी मैं आई थी तो शायद मैं मिली थी आपसे। तो चलते हैं, आप तो रोज मिलना होगा क्योंकि क्लासेस भी खुल गए हैं। एक बार हाय कर दीजिए सबको। तो ये काफ़ी अच्छा है, जब भी यहाँ पे आओ तो ये आपको बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, अच्छा कि हाँ आप इधर से आप ले लो या फिर वो करो ये करो। तो फीस के काम के बाद अब मुझे जाना है सीएस डिपार्टमेंट। ओहो, तो चलते हैं सीएस डिपार्टमेंट में और एचओडी मैम से मिलते हैं। वैसे हमारी बात एचओडी मैम से सुबह में हो गई थी कि हम लोग आ रहे हैं, लाइक मैं आ रही हूँ, तो क्लासेस का क्या सीन है वो सब पता करने के लिए। सो आ चुके हैं हम लोग सीएस डिपार्टमेंट में। लॉकडाउन में जब आए थे तो यहाँ पे बिल्कुल भी स्टूडेंट नहीं दिख रहे थे, और अभी देख सकते हैं पिछले अभी तो स्टूडेंट वगैरह भी आ चुके हैं काफी। हेलो फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं, ये आ चुके हैं हम सेल्स डिपार्टमेंट में। सो गाइस, फाइनली मैं अभी डिपार्टमेंट जो एचओडी होते हैं उनसे मिल चुकी हूँ, और अब मुझे सीसी से मिलना है, लाइक क्लास कोऑर्डिनेटर से मिलना है, तो एक बार जाके मैं उनसे भी मिल ही लेती हूँ। ये हमारा जो पीछे जो लैब है कि इंटरनेट विद टेक्नोलॉजी लोग का, तो इन लोगों का भी लैब चल रहा है, तो ये देख सकते हैं पीछे अंदर बच्चे हैं जो कि लैब कर रहे हैं, अभी लैब चल रहा है उन लोगों का। हे गाइस, तो फाइनली अभी जो हमारा आज कॉलेज का काम था वो सारे डन हो चुके हैं, और फीस भी जमा हो गई है, रिसिप्ट मिल चुका है, आई कार्ड के लिए एप्लीकेशन डाल दिया है, और एचओडी सर से बात करना था वो हो गया है, सीसी क्लास कोऑर्डिनेटर से बात करना था वो भी हो गया है। अब एक और फाइनल डिस्कशन है जो कि मेरी मैम है क्लास की, जो है उनसे बात करना है, उसके बाद फाइनली हमारा सारा काम आज का हो चुका है, हमने 2 क्लास भी अटेंड कर लिए हैं, और फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे घर। हाय, थक गई बहुत, और मुझे तो ये नहीं लग रहा कि मुझे तो अब रोज़ ही कंटिन्यू करना पड़ेगा कॉलेज, मैं तो इसलिए परेशान हो रही हूँ कैसे मैं कंटिन्यू करूँगी, और बट करना तो पड़ेगा। हे गाइस,
सारा काम कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, सारा काम कंप्लीट हो गया है, आई कार्ड का मैंने सब कुछ कर लिया, फीस वगैरह सब कुछ कर लिया। एक ना मेरी मैम है, मतलब मेरी क्लास जो क्लास लेती है, तो उनसे मिलना था, तो उनसे मिले बिना मुझे नहीं जाना है, कुछ इम्पॉर्टेंट है उनसे मिलना, अकेडमिक से रिलेटेड कुछ बात है। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं 3 बज रहे हैं और मैंने उनको फ़ोन किया कि मैम आप कितने दिन में, मैं तो बहुत खुश हो रही थी, मेरे को लग रहा था यार यहाँ 3 बज गए, जल्दी जल्दी फ्री हो गए, अब घर चलते हैं। अभी 3 बज रहे हैं, मैंने उनको फ़ोन किया कि मैम आप कितने देर में आ रही हो, केबिन उनका केबिन ही पास में है और वो लॉक है, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि 4 बजे तक आएंगे, मतलब 1 घंटा मुझे वेट करना है, तो कुछ भी 1 घंटे तक मैं उनका वेट करती रहूँ कि मैम आएंगी फिर मेरे से बात होगी। मैंने उनको बोला कि मैम कोशिश करो थोड़ा जल्दी आ जाए, घर जाना है, दूर हो गया, सुबह से भूख भी लग गया, परेशान हो गए हैं, तो उन्होंने बोला कि 1 घंटा वेट करो, लेट्स सी कि 1 घंटे में आएगी, कितने देर में आएगी। वैसे मैंने उनको बोला है कि जल्दी आ जाएँ आप, तो वो बोल रही थी कि वो कोई ऑनलाइन सेशन में है अभी, तो ऑनलाइन सेशन जब ख़त्म होगा तब वो आएंगी, फिर वो मेरे से बात करेंगी, तब मैं घर जाऊँगी, समझ रहे हो। पढ़ाई ऐसे नहीं होती, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, दिन भर भाग भाग के ना। और तो और कॉलेज खुलने की वजह से एक और ये हो गया है कि अब तो मुझे रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। लाइक पहले था कि आप घर पे बैठे ऑनलाइन क्लासेस कर लो, वो ख़त्म हो गया, अब ना आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकते, आपको आना ही पड़ेगा। वैसे सैटरडे संडे वाला मैंने जो स्पेशल बैच वाला जो होता है, मैंने उसके लिए बात की है कि वो सैटरडे संडे वाला जो होता है वो कर दे, लेट्स सी हो पाता है या नहीं हो पाता, या फिर मुझे रोज़ कॉलेज आना पड़ेगा, लेट्स सी। अब मैं ऐसे यहाँ पे बैठ कर उनका इंतज़ार करूँगी, मैं उनका सोच रही हूँ यहाँ इंतज़ार करने से अच्छा है यार कैंटीन चले जाओ, कुछ खा पी लो, क्या करूँ। वैसे मज़ा आया, काफ़ी दिन बाद कॉलेज आए थे ना, ऐसे पूरा जो बैचलर वाला टाइम था, जो बीटेक वाला दिन था, वो याद आ गया। अब मैंने तो बताया नहीं कि मैं कॉलेज में क्या कर रही हूँ। अच्छा, कॉलेज में मैं मास्टर थे दूँ, तो चलते हैं, बैठने से ज़्यादा अच्छा है कि कैंटीन जाए और वहाँ पे कुछ खा पी ले। गाइज, अभी कैंटीन से भी घूम के आ गए और आधे घंटे वेट करते करते भी हो गया, और स्टिल जो टाइम है ना वो हो रहा है 3:35, तो मुझे अभी 3:35, तो अभी मुझे आधे घंटे और वेट करना है। हे गाइज, तो फाइनली मेरे कॉलेज का जो भी सारा काम था वो हो चुका है कंप्लीट, और वो मैम से भी मिलना था वो भी हो चुका है, और फाइनली अब हम घर के लिए जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेट भी हो चुका है, थक भी गए हैं, तो अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए। और शायद अब तो मुझे रेगुलर ही कंटिन्यू करना पड़ेगा क्लासेस, तो मैं उसको लेकर के भी थोड़ा सब मुझे काम को मैनेज कैसे करना पड़ेगा, कैसे मुझे काम करना पड़ेगा, तो उन सब चीज़ों का मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है। काफ़ी हैक्टिक आज का शेड्यूल हो गया था, काफ़ी सारा काम हो गया था, क्लासेस भी थे, बट होप सो सारे काम अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे थोड़ा सा टाइम अभी और मिलेगा। मैं एक मिनट यहीं रुक के ना पहले कैब बुक कर लेती हूँ, मेरे को पहले ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हे गाइस, तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर, और काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया था, घर आते आते आप देख सकते हैं कितना हो गया है, घर आते आते 6 बज गए हैं, काफ़ी शाम हो गया था, सर्दी हो गया था, तो मैं आ गई हूँ घर। और आज हमारा जो ये कॉलेज का ब्लॉग था वो आप लोगों को कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आज का ब्लॉग नहीं था वो, कह सकते हैं कि ब्लॉग बनाने की मैंने कोशिश करी थी, टाइम नहीं मिला था यार, कॉलेज में इतना सारा काम था, बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कॉलेज शो कर दूँ, बस इसलिए मैंने ब्लॉग बना लिया था। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।